चाहिए मोबाइल लेके चल जाएगा। दिक्कत है यहाँ पे मोबाइल से वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा दिक्कत है। बिल्लो बगे बिल्लियाँ की करेंगी, बिल्लो बगे बिल्लियाँ की करेंगे, बग्गे बगे बिल्लियाँ की करेंगे, बग्गे बगे बिल्लियाँ भी करेंगे। मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए ब्लॉग में। ये है हमारा बिंदु, इसका नाम बिंदु है, इसका नाम बिंदु है। और ये पूरा जो हम लोग का बिल्डिंग है, रेसिडेंस है, उसका रख रखाई करता है, देख रेख करता है, कहीं पे कुछ दिक्कत रहता है तो यही देखता है उसको। आए हैं जिम में, चलिए चलते हैं जिम करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। ये देखिए आज मौसम कुछ इस तरह से किया हुआ है। ये दो लोग अभी जिम में आया हुआ है, आज हम और आदित्य दोनों साथ में एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो पूछते हैं आज क्या करने वाला है वो, आज क्या करने वाले हम लोग, आज ट्राइसेप करेंगे। चलो फिर जल्दी जल्दी करते हैं। देखिए ये हमारे रवि भाई हैं, ये हम लोग खाना बनाकर खिलाते हैं। बोलिए कुछ कुछ ना बोलिएगा, शर्मा रहे हैं। और ये यहाँ के लोकल लोग हैं जो कि खाना बनाने में हेल्प करते हैं। आज क्या बनाने हैं, क्या बनाना बना रहे हैं आज, क्या खाना बनेगा आज? आज बनेगा शाम को चिकन करी बनेगा। चिकन करी, चिकन बिहारी, चिकन बिरयानी बिहारी, बिहारी ये क्या होता है? आज है शुक्रवार और आज है हमारी छुट्टी, तो आज हमने प्लान किया है कहीं घूमने जाने के लिए। तो हमारे साथ है सिराज भाई, हम और सिराज भाई जा रहे हैं आज घूमने के लिए। और हमारे साथ बेमबिंदु भी जा रहा है। ये है बेमबिंदु, ये हम लोग रेसिडेंस में ही रहता है, तो वो भी जा रहा है हम लोग के साथ। ये देखिए कितना खूबसूरत यहाँ पर घर है ये वाला। यहाँ पर एक शॉप है, ये देखिए दारू की दुकान है। यहाँ पे गली मोहल्ले में भी दारू की दुकान खोल के बैठे हैं। यहाँ पे बहुत सालों से बेचते हैं। अपने घर पे जो काम करने आती है ना, पहले जो मंदिर थी वो यहाँ पे थी, दारू बारू शाम के टाइम पे, जब घर पे जाना होता ना। इधर देखो अभी आम में मोजर लगा है, हम लोग की तरफ आम खत्म हो गया फर के, इधर आम में मोजर लगा हुआ है, अभी आम भी फरा हुआ है कुछ कुछ। ये वाला चाइनीज लोग का घर है, काफ़ी दूर में बनाया हुआ है लोग ने। ये वाला पूरा दूर में फैला हुआ है, यहाँ पे देखिए अंगोला का, चाइना का भी झंडा लगा हुआ है यहाँ पे। चाइनीज लोग का घर ही है। दो तीन दिन से ना काफ़ी ये बादल किए हुआ था, आज अचानक एकदम धूप निकल गया, बहुत तेज़ धूप निकला हुआ है। आज मौसम पूरा साफ है। हाँ मौसम साफ है और बहुत तेज़ धूप निकला हुआ है। और यहाँ पे ना जब धूप निकलता है उसको बोलते हैं सोलू। हाँ सोलू, धूप को सोल बोलते हैं, सोलू बोलते हैं उसको जब धूप निकलता है। मोबाइल लेके चल जाएगा, दिक्कत है यहाँ पे मोबाइल से वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो मोबाइल लेकर के रोड पे हम लोग चल रहे हैं, मेन रोड पे मोबाइल भी लेकर चल जाएगा, चला जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। हाँ मायावती अपनी हाथी कब ले जाएगी? ये काफी सालों से यहाँ पे पड़ी है, ये हाथी चल नहीं रहा है। वीडियो आप लोग देखते हैं इंडिया से तो बोलिएगा मायावती को, उसका हाथी यहाँ पे पड़ा है काफी सालों से, लेके काफी सालों से पड़ा हुआ है, धूल मिट्टी खा रहा है, तो अपने आके ले जाएगी यहाँ पे, मुझे कवर करवाएगी। देखिए यहाँ पे लेडीज लोग कुछ सेल कर रही है, इसको क्या बोलते हैं, मंदियोका, इसको मंदियोका बोलते हैं, इसमें ये लोग ज्यादा खाते हैं इसको। ये अब खाती है, ये बनाना है। इंडिया मंदियोका को क्या बोलते हैं, मिलता होगा ना? मुझे एक फ्रूट था ना, उस फ्रूट फ्रूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, कंद बोलेंगे, कंद ना, कंद बोलते इसको, कंद। तो नहीं यहाँ पे कंद अलग होता है, वो जो वेल पे आता है ना कंद, वो वाला है। और ये जैसे वो जमीन के अंदर वाला है। हम लोग अभी पहुँच गए हैं वहाँ पे, हमारे साथ देखिए ये है और सिराज भाई चले गए हैं नमाज पढ़ने के लिए। यहाँ पे देखिए ये कुछ मार्केट लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए जूता बेच रहा है ये लोग, यहाँ पे कुछ किताब बुक बेच रहा है और लाइट बेच रहा है, सेल कर रहे लोग। और इधर में कुछ कॉस्मेटिक का सामान ये लोग सेल कर रहे हैं। और यहाँ पे चॉकलेट सेल कर रही है। यहाँ पे देखिए बनाना को ऐसे पका करके आग पर और ये लोग सेल करते हैं बनाना को, ये लोग
ग्रिल पर पका करके और सेल करता है उसको, और यहाँ पे उसको बोलता है बनाना पाव। बनाना पाव बहुत बार मैंने नहीं खाया है, सबसे बेस्ट। हम पहुँच चुके हैं अपने रूम पे और वहाँ से देखिए ये मूँगफली लिया था, इसको बोलते हैं जिंगूबा यहाँ पर, और ये 500 का जगह उसने दिया है तो ले लिया हमने। और अभी देखिए धूप आज बहुत तेज़ निकल गई थी अचानक से, तो मुँह पूरा लाल हो गया पैदल आने जाने में धूप में। तो अभी चलते हैं, भूख लगा थोड़ा सा तो खाना खाते हैं। अभी खाने में दाल बढ़िया वाला दाल बनाया है उन्होंने, और चावल है, ये सब्जी, और यहाँ पे देखिए ये अचार है। ये है हम लोगों का किचन, यहीं पे हम लोगों का खाना बनता है। देखिए ये खाना बना रहा है, कुछ मसाला पीस रहा है अभी, और वो वाला स्टोर रूम है उसमें सामान रखा रहता है, और ये किचन है। यहाँ पर देखिए एग्जॉस्ट लगा हुआ है जो गैस बनेगा उसको बाहर निकालने के लिए। देखिए बेम्बिंडो पानी डाल रहा है पौधा में। उसका नाम बेम्बिंडो है, बेम्बिंडो का मतलब होता है यहाँ पे स्वागतम, बेम्बिंडो का मतलब होता है स्वागतम। ये देखिए बेम्बिंडो इधर पानी डाल रहा है, ये नल चल रहा है, इससे पूरा इसमें पानी आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये लहसुन लगाया गया यहाँ पे, यहाँ पे लहसुन लगा हुआ है, और इसमें आम का पौधा भी है, और ये वाला बड़ा आम का पेड़ है, यहाँ पे छोटा आम का पेड़ है। ये अभी पानी पटा रहा है सबको। आगवा तक कई फो हो रहा है। सीपी भाई इसको गाना सुना रहा है, ले लो पुदीना। सही इंतेंदे बेमिदो ना इंतेंदी ना तो ना ले लो पुदीना ना पाला, ले लो पुदीना। इधर पुदीना लगा हुआ है, पुदीना का पानी, पुदीना में पानी डाल रहा है, पुदीना का गाना उसको सुनाने लगा। बिल्लो बगे बिल्लियाँ की करेंगी, बिल्लो बगे बिल्लियाँ की करेंगे, बगे बगे बिल्लियाँ की करेंगे, बगे बगे बिल्लियाँ भी करेंगे। अभी शाम के 6 बजने वाला है और हम हैं अभी छत के ऊपर, तो अभी दिखाते हैं आपको छत से अंगोला का नज़ारा कैसा दिखता है। हमारा जो रेसिडेंस है 4 फ्लोर में बना हुआ है, 4 फ्लोर है इसमें, तो अभी आए हैं छत के ऊपर, तो दिखाते हैं यहाँ से नज़ारा, अंगोला का नज़ारा आपको। देखिए अभी सनसेट होने वाला है, और देखिए मौसम कितना खूबसूरत किया हुआ है। और अंगोला में घर अधिकतर इस टाइप के होते हैं, देखिए काफ़ी सारे घर इस टाइप के आपको मिलेंगे बने हुए। और वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये सारी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं ये सिटी एरिया के अंदर आता है, डाउनटाउन के अंदर है वो सब सारी बिल्डिंग, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। और अभी हैं हम छत के ऊपर, और यहाँ देखिए सनसेट का नज़ारा कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। इधर दिखाते हैं आपको, यहाँ पे अधिकतर घर आपको इस टाइप के देखने के लिए मिलेंगे। देखिए लगभग सबका डिजाइन जो ऊपर छत का है सबका सेम ही है, कपड़ा सब में डाला हुआ है। ये देखिए कितना खूबसूरत है, ये वाला स्कूल है यहाँ पे, ये स्कूल है एक, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ये इंस्टीट्यूटो सुपीरियर टेक्नो दे अंगोला। और ये वाला जो ग्रीन टंकी है, ये वाली ग्रीन टंकी, ये वाला जो प्लॉट है ये कंपनी का अपना, हमारी जो कंपनी है उसका ये प्लॉट है। देखिए सब यहाँ पे जो घर है ना इस टाइप का दिखेंगे आपको, सब इक्वल घर है। तो जब हम लोग ड्यूटी जाते हैं तो देखिए ये वाला पुलिस ऑफिस पड़ता है, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर पुलिसिया नेशनल दे अंगोला, ये पुलिस का ऑफिस है यहाँ पे, हम लोग जाते हैं तो उस समय रास्ते में पड़ता ही है ये वाला। तो छत से कुछ इस तरह का नज़ारा दिखता है। और वो देखिए ये जो बिल्डिंग है, ये भी हम लोग जब जाते हैं स्टोर के लिए तो दिखता है रास्ते में। हमारे छत से कुछ इस तरह का दिखता है ना अंगोला का नज़ारा,
उधर देखिए काफ़ी सारी लाइटें जल रही हैं, वो सिटी एरिया में आता है, डाउनटाउन में आता है, वो जो एरिया है डाउनटाउन के अंदर आता है। और ये वाला बिल्डिंग जो मैंने दिखाया था सुबह आपको कि चाइनीज लोगों का है, ये देखिए ऊपर से कुछ इस तरह से दिखता है। ये बहुत बड़ा कंपाउंड है उन लोग का। और सूरज ढलते हुए, सूरज देखे छिप गया अब। और अभी हम जहाँ पे रहते हैं ये है लुआंडा, अंगोला की राजधानी लुआंडा है, हम लोग लुआंडा में रहते हैं। ये अपने यहाँ जैसे ITI होता है उस तरह का ये इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे टेक्नीशियन का इंस्टीट्यूट है।